अब प्राण प्रतिष्ठा वाला जौन भैया अनुष्ठान चल रहा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं और इसके साथ साथ देखा तो भैया साक्षात श्री राम जी राम मंदिर में विराजमान होते हैं। रामलला की कितनी खूबसूरत और कितनी भव्य तस्वीर आई है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया और साक्षात राम जी देखो राम मंदिर में विराजमान हो गए। हमने कल उतने का आपको दिखा दे पूरा भैया अयोध्या बाराबंकी सजा धजा दिखाई दे रहा है और रामलला की फोटो देखा तो भैया वाह भैया वाह क्या बात है। जय श्री राम बोलो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो बाराबंकी जिले के राज्य मंत्री सचिन शर्मा जिस समय भैया देखा था अयोध्या में लगे हुए हैं। क्या बात है, जो जो अतिथिगण आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का स्वागत कर रहे थे, अमिताभ बच्चन का स्वागत कर रहे थे और जितने भैया बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं सबका स्वागत कर रहे थे। वाह भैया वाह क्या बात है। हम कल तक आपका दिखा दी आप किस प्रकार कमेंट कीजिएगा। बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब यू देखो बाराबंकी जिले के पंचम दास कुटी वाले भैया महंत जी धर्मेंद्र दास जी देखा था इसमें भैया वहीं पर हैं अयोध्या में और बढ़िया मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वाह भैया वाह बहुत ही गजब दृश्य दिखाई दे रहा था। हम गलत होने का आपका दिखा दी। जय श्री राम बोलो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब वाह भैया वाह क्या बात है, बाराबंकी जिला तो पूरा राममय हो गया। देखा तो बाराबंकी जिले के गांधी भवन में श्री रामोत्सव भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इस दरमियान देखो सब बच्चे बकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। हम गलत तो आपका दिखा दी और इस दरमियान बीजेपी के तमाम माननीय भी दिख रहे थे। बाकी दूसरा खबर देख ली था। अब बाराबंकी से लेकर के पूरा अयोध्या देखा तो भैया राममय हो गया। बाप रे बाप गजब का दृश्य दिखाई दे रहा था पूरा भैया अयोध्या रात से लेकर के सजा जा रहा है भैया सुबह तक। देखा तो अब तो मोदी जी पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में शामिल भी हो जाते हैं और राम जी का भव्य दर्शन भी कराते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शर्मा साजी को बेल आइकन दबा दो।